Good morning, class 11th, and welcome to the economics class. Guys, in the last video, we have taught you about the standard deviation, measure of dispersion, as the last measure of dispersion, last tool भी कह सकते हो. Standard deviation का जो पूरा topic था, ये आपको समझ में आया होगा easily. आज हम आपको start करने जा रहे हैं next topic, जैसे next chapter है stats का, जिसका नाम है correlation. ठीक, correlation ऐसे नाम से बड़े से आपको जो clear है आपको कि कोरिलेशन मतलब है कुछ रिलेशन है, यानी जो वेरिएबल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके बीच में इंटरलेटेड चीज़ें क्या है, उनके अंदर कितना रिलेशनशिप है कितना नहीं है. ठीक है, अब जैसे उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो लिखा हुआ है कि इट इज़ अ टेक्निक, एक्चुअली दो वेरिएबल्स के बीच में कितना इंटरलेशनशिप है, कितने आपस में कोरिलेटेड है, उसकी डिग्री को मेजर करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन. कि वेरिएबल्स को आपस में कुछ उनका कॉन्टेक्स्ट बनता भी है या नहीं बनता, और है तो कितना, और नहीं है तो नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर है तो कितना उनके अंदर इंटरलेशनशिप है, कितने वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर, इस सब की जो स्टडी हम करेंगे वो है चैप्टर का नाम कोरिलेशन. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लिखे जैसे प्राइस एंड डिमांड, तो प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशन, हम जानते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह कि इनका रिलेशन इन्वर्स होता है, और कितना इफेक्ट होता है उसको हम इलास्टिसिटी में मेजर करते हैं ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा होगा. तो वही चीज़ सेम है यहाँ पर कि हम जैसे प्राइस डिमांड का रिलेशन आपस में किस तरह का है, इनकम का डिमांड रिलेशन किस तरह का है, प्राइस सप्लाई का किस तरह का है, ये सब चीज़ें जो इनके इंटरलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक तरह से जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है वो क्या है, कोरिलेशन है. राइट, अब आज मैं इसको थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही लूँगा जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर के बारे में. तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. तो कोरिलेशन के टाइप्स हमारे कौन कौन से हैं, कई तरह के बेसिस हैं जिसके बेस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. जो सबसे पहला हमने पार्ट लिया है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. तो बच्चे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं किसी भी ऐसे कोरिलेशन का, कोई दो ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायरेक्शनल चेंज सेम होता है, जिनका डायरेक्शनल चेंज सेम होता है. इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप प्राइस का एंड सप्लाई का. ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई, ये दोनों वेरिएबल्स ऐसे जिनका डायरेक्शनल चेंज सेम रहते हैं. आप जो सप्लाई चैप्टर जो हमने पढ़ा था माइक्रो में, आपको याद होगा कि प्राइस एंड सप्लाई आता डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. इट मीन्स अगर प्राइस राइज होता है तो सप्लाई भी राइज होती है, इफ अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है. तो आप देख रहे हैं इन दोनों वेरिएबल्स का जो डायरेक्शनल चेंज है बिल्कुल सेम रहता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, पॉजिटिवली कोरिलेटेड. और सेम ऐसे अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो प्राइस एंड डिमांड के, ऊपर अभी बताया मैंने, जो प्राइस एंड डिमांड ये दो वेरिएबल्स ऐसे हैं इनका रिलेशन कैसा रहता है, इन्वर्स रहता है. अगर एक राइज होता है जनरल कंडीशंस में, अगर एक राइज होता है दूसरा डिक्रीज हो जाता है, तो जिनका डायरेक्शनल चेंज अपोजिट रहता है एक दूसरे से उसे कहा जाता है नेगेटिवली कोरिलेटेड या फिर नेगेटिव कोरिलेशन. राइट, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया कि हम पॉजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं और नेगेटिव किसे कहते हैं. दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर कोरिलेशन कहते हैं ऐसे दो वेरिएबल्स को, ऐसे दो वेरिएबल्स के बारे में जिसमें प्रोपोर्शनल चेंज दोनों का सेम होता है, कि दोनों में जितना चेंज होगा, यानी अगर जैसे हम बात करें सपोज करो हम प्राइस और सप्लाई की एग्जांपल लेते हैं फिर से, कि प्राइस किसी कमोडिटी का मान लो 5 से बढ़ के 10 हुआ, ठीक है, और जो सप्लाई है वो हमारी 10 से बढ़ के 20 हो गई. तो दोनों का प्रोपोर्शनल चेंज अगर हम निकालेंगे, अगर हम इसमें कहते हैं 100% चेंज हो तो इसमें भी 100% चेंज हुआ. ठीक है, तो अगर इस तरह का चेंज कोई आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर कोरिलेशन. और नॉन लीनियर का तो जैसे नाम से बड़ा क्लियर है, इसमें कोई प्रोपोर्शनल का कुछ हिसाब ही नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनल चेंज कुछ भी हो सकता है. कि अगर जैसे मैंने कहा कि प्राइस हमारा 5 से बढ़ के 10 हो जाता है, मगर क्वांटिटी हमारी 2 से बढ़ के 8 हो जाती है अचानक, तो इसका प्रोपोर्शनल चेंज तो कुछ भी नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं आ रहा. ठीक है, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चेंज है 100% है, यहाँ पे तो मोर देन एक तरह से 400% हो गया. तो जिनमें प्रोपोर्शनल चेंज सेम नहीं आता उसे कहा जाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, और जिनमें प्रोपोर्शनल चेंज सेम आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन. राइट, अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने एग्जांपल जो लिया है इसमें उन्होंने दोनों चीज़ आपको इंक्रीज करके दिखाई हैं, एज अ कंपल्सरी नहीं कि इंक्रीज ही होगा, ये डिक्रीज भी हो सकता है, बट प्रोपोर्शनल सेम होना चाहिए. राइट, तो ये हमारा हो गया लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में, कि उनमें अगर कोरिलेशन है, लीनियर है नॉन लीनियर है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो आपको बता दिया, पर कितना कितना कोरिलेशन है उनमें, उसकी जो डिग्री है कितनी है. तो उसके बेसिस में हमारे पास जो डिग्रीज बनती हैं वो है परफेक्ट डिग्री, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन एंड लिमिटेड डिग्री. अब मैं बता दूंगा इसमें जो परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन है वो उसमें दो टाइप के हम डिवाइड किए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन होता है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका जो कोफिशिएंट आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा, चाहे वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर पॉजिटिव होगा तो +1,
नेगेटिव होगा तो माइनस वन। तो परफेक्ट डिग्री का मतलब है अगर दोनों का डायरेक्शनल चेंज सेम चल रहा है और प्रोपोर्शन भी बिल्कुल सेम चल रहा है तो आपको पता है उसका आंसर वन आएगा, तो इट मीन्स वो बन जाएगा पॉजिटिव परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन, या कह सकते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर वो नेगेटिव आता है, माइनस वन आता है, मीन डायरेक्शन अपोजिट चलती है, तो हमारा कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन यानी जहाँ पे दो वेरिएबल्स ऐसे हैं इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैं कहूँ, जैसे एग्जांपल इसने जैसे हाइट और वेट का एग्जांपल लिया, तो हाइट और वेट तो आपस में इंटरलिंक्ड है, तो हमारे कहीं ना कहीं परफेक्ट डिग्री या लिमिटेड डिग्री कहीं भी आ सकते हैं वो। बट ऐसे मैं कहूँ हाइट का और सपोज करो बच्चे की क्या कहते हैं उसकी रनिंग कैपेसिटी का, तो कोई भी ऐसा लिंक नहीं बनेगा उसमें। बालों की ग्रोथ का और हाइट का, कॉम्प्लेक्शन का ले लें, ऐसा कोई लिंक लें तो कुछ रिलेशन नहीं बनने वाला उनका। ठीक है, किसी की इनकम का और उसकी इनकम का और हाइट का ले लें तो ऐसा कोई लिंक नहीं बनने वाला। तो ऐसे जो कुछ वेरिएबल्स इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं होता, ठीक है, तो उसमें कोरिलेशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या कहलाएगा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। वहाँ पर जब हम कोरिलेशन की डिग्री फाइंड आउट करें या उसका जो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकली, तो उसका आंसर आ जाएगा जीरो। इसका मतलब वहाँ पर कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेज पर आता हमारा लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन। अब लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कोरिलेशन तो होगा मगर एक एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, तो उसमें हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, हाई डिग्री, मॉडरेट एंड लो। अब ये हमारे कैसे डिफाइंड होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, इसको समझ लीजिए। पूरी एक रेंज हमारे पास कोफिशेंट की, जैसे जो हाई डिग्री कोरिलेशन है बच्चों, इसमें अगर हम कोफिशेंट निकालें कोरिलेशन का, जब हम न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करेंगे इसकी, अगर ये हाई डिग्री कोरिलेशन 0.75 से लेकर अगर 1 तक इसकी वैल्यू आ जाती है कोफिशेंट की कोरिलेशन के, तो ये कहलाएगा हाई डिग्री कोरिलेशन। इट लाइज बिटवीन यानी तरह रेंजेस देखे, इस रेंजेस बिटवीन 0.75 to 1, यानी 0.75 से ज़्यादा और 1 से कम तक या 1 तक। अगर हम सेकंड लेते हैं मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, इसकी वैल्यू आती है 0.25 से लेकर 0.75 तक। इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0.25 to 0.75, तो ये हमारा कहलाएगा मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन यानी मीडियम लेवल। और अगर ये वैल्यू आती है 0.25 से कम यानी लेस देन, सॉरी साइन गलत डाल दिया मैंने, अगर हमारे पास कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है इसका सिंबल आर होता है बच्चों, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन आती है 0.25, तो ये कहलाता है हमारा मॉडरेट सॉरी लो डिग्री कोरिलेशन, राइट। तो कोरिलेशन के टाइप्स आपको मैंने बताए हैं इसमें, इस पूरे वीडियो में उनके मीनिंग समझा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन क्या है, नॉन लीनियर क्या है, ठीक है, इसको आपको डिग्रीज बताई हैं। आई होप आपका ये जो पॉइंट है, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में कवर करें किया हमने, तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड हैप्पी, टिल देन बाय।